सब तो यार आप तो जानते हो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग सा सिंपल सा न्यूड मेकअप लुक जो कि बेसिकली कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए होगा। अगर आप ऑफिस भी जाते हो तो भी आप ऐसा मेकअप करके ना जा सकते हो। तो बस बहुत ही बेसिक सी चीज़ें आज मैं यूज़ करूँगी, 5 मिनट का मुश्किल से काम होगा। आप सारा मेकअप अपना कंप्लीट कर लोगे 5 मिनट के अंदर ही, और साथ में ही आज मैं फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, ना ही सीसी क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। अब इसकी जगह पे मैं कैसे क्या करती हूँ अपने मेकअप को अच्छा करने के लिए, वो आप खुद ही अभी थोड़ी देर में देख लेना। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड यस लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ वो है सीरम। तो आप कोई भी अच्छा सा सीरम यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का, बस अच्छा हो वो। तो बस कुछ ड्रॉप्स मैंने सीरम के लिए और अपने फेस पे इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। इससे फेस पे थोड़ा सा ग्लो भी आ जाएगा और स्किन हाइड्रेट भी हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी डीपली। तो मेकअप के बाद में हमारी स्किन काफ़ी अच्छी लगेगी। चलो सीरम अप्लाई कर लिया है, स्किन पे थोड़ा बहुत ग्लो अभी आ गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जिसका मैं यूज़ करती हूँ जब मैं कॉलेज जाती हूँ वो होती है सनस्क्रीन। तो मैं लैक्मे की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए कौन सी सनस्क्रीन सही रहेगी आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग, सॉरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, फिर उसके लिए मैंने देखिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी किया है, आप उसको देख सकते हो। तो पूरे फेस पे अच्छे से इसको लगा के बस ब्लेंड कर लेना है अपनी फिंगर से। और बहुत लोग गलतियाँ क्या कर देते हैं कि जब वो सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं फेस पे तो वो अंडर आई एरिया में नहीं लगाते, जिसकी वजह से यहाँ की स्किन काफ़ी ज़्यादा डार्क होने लगती है धीरे धीरे। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दो, पूरे फेस के साथ में अंडर आई एरिया में भी सनस्क्रीन को ज़रूर अप्लाई करो। चलो सनस्क्रीन भी अप्लाई कर ली है, अब इसके बाद में स्किन केयर की हम बात कर रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र ना अप्लाई करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं ये जेल अप्लाई कर रही हूँ, प्लम का जेल है ये, बहुत टाइम से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, स्पेशली विंटर में ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यूज़ करना, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर देता है और बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होता है इसको अप्लाई करने के बाद। इतना कर लिया, अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं अपने मेकअप की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो अब इसकी जगह पर आज मैं क्या करूँगी, मैं यूज़ कर रही हूँ ये कंसीलर, मेबेलिन का कंसीलर है और इसमें मेरा शेड है 140 हनी। बहुत ज़्यादा मैं इसका यूज़ नहीं करने वाली हूँ फेस पे, जहाँ पे स्पॉट्स हैं सिर्फ वहीं पे मैं इसको अप्लाई करूँगी, हाँ अंडर एरिया में हल्का सा लगाऊंगी। इतना कर लिया, अब इसके बाद में मैं फिंगर से ही इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कंसीलर नहीं लगा रही मैं, बस हल्का सा लगा रही हूँ, क्योंकि अगर एक दो स्पॉट दिखेंगे भी तो फिर उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज ही जा रहे हैं तो पार्टी अटेंड तो करने जाने रहे हैं। चलो कंसीलर अप्लाई हो गया है, अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसका मैं यूज़ करती हूँ वो होता है लूज पाउडर। तो मैं यहाँ पे मेबेलिन का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इसमें मेरा शेड है 25 मीडियम। तो इसे मैं ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो बस इसको एक बार अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है ब्रश की हेल्प से, ब्लेंड कर लेना। चलो इतना कर लिया, अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी आईब्रो को सेट कर लेती हूँ। तो मैं हमेशा की ही तरह मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें मेरा शेड है ब्राउन, और इससे मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी। और उसके बाद में इस आईब्रो पेंसिल में जो ब्रश है उसकी हेल्प से हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। चलो आईब्रो को यहाँ पे सेट कर लिया है एंड आईब्रो काफ़ी सही लगने लगी हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ मैं यूज़ करती हूँ लिपस्टिक का। तो मैं यहाँ पे लॉरियल की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, इसमें मेरा शेड है 130 IMS, बहुत ही प्यारा कलर है। तो मैं बस हल्के से इस लिपस्टिक को लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। लिप्स पे अप्लाई करने के बाद में मैं फिंगर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। लिपस्टिक अप्लाई कर लिया, फिंगर पे जो हल्की सी लिपस्टिक लगी है ना इसे बस मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। अब इसके बाद में मैं क्या करती हूँ, मैं कॉम्पैक्टर यूज़ करती हूँ अपने लिप्स पे, इससे जो शाइन होता है लिपस्टिक का वो भी चला जाता है, साथ में थोड़ा सा जो लिपस्टिक का कलर होता है वो भी लाइट हो जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ मैं अप्लाई करूँगी, उसको करने के बाद में आँखें जो होंगी वो काफ़ी अच्छी लगने लगेंगी, और वो है मस्कारा। तो मैं यहाँ पे लॉरियल का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। वो सिंगल कोट इसको मैं अप्लाई करूँगी और उससे ही आई लैशेज काफ़ी सही लगने लगेंगी। चलो इतना कर लिया है, अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जिसका मैं यूज़ करती हूँ वो होती है स्ट्रोबिंग क्रीम। बट बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल हल्की सी इसको लगाती हूँ बस एक नेचुरल ग्लो के लिए, बहुत ही थोड़ी सी। चलो इतना कर लिया है, अब इसके बाद में एक चीज़ मैं क्या करने वाली हूँ, मैं काजल का यूज़ कर रही हूँ। मैं पूरी आँख पे इसको नहीं लगाऊंगी, बस कॉर्नर पे हल्का सा लगाऊंगी थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट लाने के लिए। चलो काजल भी अप्लाई कर लिए और आँखें काफ़ी सही लगने लगी। अब इसके बाद में एक लास्ट चीज़ मैं अप्लाई करने वाली हूँ, अगर आप चाहो तो उसको अप्लाई कर सकते हो, नहीं टोटली आप उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो।
मैं भी ऐसे मतलब हमेशा जब कॉलेज आती हूँ तो मैं उसको नहीं अप्लाई करती हूँ, बट वीडियो में मैं आपको दिखाने के लिए कि उसकी वजह से आंखें जो होंगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगेंगी, और बहुत सारी गर्ल्स इसका यूज़ भी करती है, तो इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं जिस चीज़ का यूज़ करने वाली हूँ वो आई पेंसिल है, और ये पैक की आई पेंसिल है, काफ़ी सही है, ये न्यूड शेड है, और इसको लगाने के बाद में जो आंखों का लुक होगा ना वो एकदम से मतलब चेंज हो जाएगा, आंखों का लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने लगेगा। इतना मैंने कर लिया है एंड अब यहाँ पे मेरा जो मेकअप है वो कंप्लीट।